वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला इन डिफरेंट केसेस या इन डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में? W इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ डीवी। ठीक है, अब देखो ये माइनस पी डीवी अलग अलग केस में अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर वन केस लेता हूं आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में क्या होगा? ये प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो W विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। क्यों? प्रेशर इज कांस्टेंट, P1 एंड P2 आर इक्वल। आइसोबारिक में क्या हो जाएगा? P1 इक्वल टू P2। ठीक है, एट ऑल पॉइंट। ठीक है, सो दिस विल बी रिटन एज माइनस पी ऑफ डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस पी वी टू माइनस पी वी वन लिख सकते हैं। नाउ इस पी को मैं पी टू लिख दू, क्योंकि प्रेशर पी इज इक्वल टू पी वन एंड दैट इज इक्वल टू पी टू। तो इस पी को मैंने पी टू लिखा और इस पी को मैं पी वन लिखा। अब ऐसा करने से देखो क्या हुआ, पी टू वी टू को मैं एन आर टी टू लिख सकता हूँ, प्रोवाइडेड माई सिस्टम इज आइडियल गैस विद कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। प्रोवाइडेड माई सिस्टम इज हैविंग अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड आइडियल गैस, तो एन आर टी टू, पी टू वी टू इज एन आर टी टू आइडियल गैस के लिए, माइनस एन आर टी वन। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी कब? आइसोबारिक होगा। और दूसरा केस और क्या कंडीशन है? आइसोबारिक तो एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है आइडियल गैस सिस्टम होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है ये? पहला कंडीशन आइसोबारिक था, प्रेशर इक्वल नंबर। सेकंड कंडीशन एन कांस्टेंट होना चाहिए, और थर्ड इज आइडियल गैस सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइसोकोरिक के लिए क्या होगा? देखो आइसोकोरिक में डेल्टा वी विल बी जीरो, तो डब्ल्यू आइसोकोरिक सेकंड केस है, डब्ल्यू आइसोकोरिक इज सिंपली जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। आइसोकोरिक के बाद क्या आएगा? आइसोकोरिक के बाद आइसोथर्मल आएगा। सो देखो आइसोथर्मल में क्या हो जाता है? डब्ल्यू आइसोथर्मल इज इक्वल टू एन आर टी एल एन माइनस होगा, ठीक है, वी टू बाय वी वन। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। और अगर आपसे डब्ल्यू एडियाबेटिक पूछ ले, तो डब्ल्यू एडियाबेटिक पूछेगा तो होगा पी फाइनल या पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाय क्या? वन माइनस गामा होल का माइनस। ठीक है, फिजिक्स में ये होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू क्योंकि केमिस्ट्री में माइनस साइन ले लेगा, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, थैंक यू।